नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स को, और बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग जून के महीने के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आ चुके हैं। इससे पहले के जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो है आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेन्स का एग्जाम दे रहे हो, और बिहार से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन इन टॉपिक्स को मेनली कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्योंकि 13 दिसंबर को फाइनल हो गया डेट बीपीएससी का होने वाला है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, अभी से ही तैयारी खूब कीजिए। अगर वीडियोस देखना है तो जनरल साइंस का भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है करंट अफेयर्स को उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड एट राजगीर, बिहार, ठीक है। तो ओरिजिनली जो नालंदा है राजगीर में ही है प्रेजेंट, लेकिन वहां से कुछ किलोमीटर दूर पे ये नया कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का बनाया गया, ठीक है। द यूनिवर्सिटी इज कंसीव्ड एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, ईस्ट एशिया समिट है क्या आखिर क्या, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एंड द कैंपस, सबसे मेन जो आकर्षण बात है ये, ऑब्वियसली सबको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट में देखा जाए तो दिस कैंपस इज अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडिया का वन ऑफ द सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना है जो नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, ठीक है। नेट जीरो मतलब क्या है कि इसमें कार्बन का जितना हम लोग एमिशन करेंगे उससे ज्यादा हम लोग कार्बन को सिक्वेस्टर करेंगे, ठीक है। तो उसको मेनली हम लोग नेट जीरो कहा जाता है कि कार्बन का जितना एमिशन है वो इक्वल हो जाता है जितना हम लोग कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से ग्रीन कैंपस है, बहुत सारी वहाँ पर आपको हरियाली, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर जैसे कि इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनेबल विद सोलर प्लांट, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वहाँ पर वाटर ट्रीट भी किया जाएगा, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है फॉर यूजिंग वेस्ट वाटर एंड 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड मेनी अदर एनवायरमेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज, ठीक है। तो जो बिल्डिंग्स भी बनाए गए हैं, जो आर्किटेक्चर्स है वो भी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसा बनाया गया कि बहुत ज़्यादा उसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत नहीं, मतलब उसमें आर्टिफिशियल लाइट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सनलाइट से हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। हवा आराम से आप जा पाएंगी। फिर बहुत सारे जो है वाटर बॉडीज बनाए गए हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज बनाए गए हैं, अबाउट 100 एकर्स की वाटर बॉडीज बनाए हैं। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर कैंपस है और राजगीर की पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मस्ट विजिट, कोई भी अगर बिहार में आना चाहता है तो एक बार इसे ज़रूर विजिट कीजिए, राजगीर। एंड द ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी पता ही है 1600 साल पहले बना था, गुप्ता पीरियड के समय में, एंड वो फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑब्वियसली जो भी बिहारी है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार से रिलेटेड, उनको तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही होगा, ठीक है। इसीलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, बहुत बार पूछी जाती है कि ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2010 में मिला है। बिहार से और एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो है हमारा बोधगया का, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ईस्ट एशिया समिट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट बेसिकली एक रीजनल फोरम है विच इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट डायलॉग एंड कोऑपरेशन, ठीक है। डायलॉग एंड कोऑपरेशन, जिस तरह से अलग अलग बॉडीज होते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO समिट हो जाता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अलग होता है, नाटो का अलग होता है, तो उसी तरह से ये भी एक ईस्ट एशियन समिट है, जहाँ पर मेन जो है हम लोग किन किन कंट्रीज में देख सकते हैं इस मैप में, कौन कौन से कंट्रीज हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो की कोऑपरेशन किन किन पॉइंट्स पर होता है, तो पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर से हो गया, इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये जो पार्ट है ये तो हमारा एशिया वाला पार्ट है ना, एशिया वाला पार्ट है, और ये जो है हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एशिया पैसिफिक कहा जा रहा है।
आपने नाम भी सुना होगा इंडो पैसिफिक। जब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात की जाती है एक साथ में, तब इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। यहाँ पर एशिया में एशिया और पैसिफिक की बात किया जा रहा है, तो एशिया पैसिफिक है। तो बहुत बार ऐसे एमसीक्यूज फॉर्म किए जाते हैं तो आपको एशिया पैसिफिक की जगह में इंडो पैसिफिक मिल जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक है एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2005, ठीक है, एज अ सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड अदर की पार्टनर्स टू डिस्कस ए वाइड रेंज ऑफ अदर टॉपिक्स। जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो इनमें जो है टोटल 18 मेंबर्स हैं, ठीक है। ईस्ट एशियन समिट में टोटल 18 मेंबर्स है, जिसमें से 10 जो मेंबर्स है वो तो आसियन मेंबर्स है, ठीक है। आसियन मेंबर्स है कौन कौन से, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हो गए आसियान देश है, ठीक है। और 2024 में जो इसका समिट हुआ था ये लाओ में हुआ था, लाओस में हुआ था, ठीक है। 2023 में कहाँ थे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो फिर 8 पार्टनर कंट्रीज जो क्या, ओरिजिनली तो ये 10 एशियन कंट्रीज हैं जो ईस्ट एशिया में आता है बेसिकली, एंड 8 पार्टनर कंट्रीज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो देख सकते हैं ये एक वन ऑफ द अनोखा ग्रुप है जिसमें रशिया भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है। तो एनिमी कंट्रीज भी एक तरह से सब कोई इसमें काम करता है ईस्ट एशिया समिट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की ऑब्जेक्टिव और फोकस एरिया क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको मेन सेंसर राइटिंग में इस तरह से हेल्प करेगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो, जैसे कि प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन में जो है बहुत हेल्प करता है रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रू डायलॉग ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज, सच एज जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया पैसिफिक रीजन में। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिस तरह से पहले पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया आया, नॉर्थ कोरिया से फिर दूसरे दूसरे देशों में भी जा सकता है, इवन ईरान को भी भेजा जा सकता है, इस पर का भी एक डर है, एंड टेररिज्म पे भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक इशूज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑफन कम्प्लीमेंटिंग द आसियान लेड इकोनॉमिक फायर फ्रेमवर्क्स लाइक द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, और इनके बारे में, आसियान के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक डिटेल वीडियो बताऊंगी, ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है एड्रेसेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशूज, ठीक है। तो ये तो हो गया जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं साउथ चाइना सी वाला, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये पता ही है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल जो है जो क्लाइमेट चेंज से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आया, पैंडेमिक्स होने के कारण है, साइबर थ्रेट हो गया, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है उसके लिए भी इसका फोकस रहता है। एंड चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज, जो कॉमन पीपल का टाइज है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज उसको भी बढ़ावा मिल सके, कैसे, थ्रू एजुकेशन, कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी इसी के तहत एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म के तहत ही ये बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, और आज से 16 साल पहले भी आते रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में होपफुली आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि पटना हाई कोर्ट नलिफाइज बिहार कोटा एनहेंसमेंट। तो इससे अगर पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कोटा जो है बिहार में लगभग 75% हो गया था, तो वो बात थी इलेक्शन से पहले की, ठीक है, क्योंकि तब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिल सके, इसीलिए वो 75% कर दिया था, लेकिन हकीकत तो पता ही था, पटना कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो इलेक्शन से पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं, जस्ट इलेक्शन के बाद ही इसका ऑर्डर आया कि ये नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा कैपिंग कर दिया गया है, तो इसीलिए, तो ये जस्ट एक पॉलिटिकल गिमिक है। तो पटना हाई कोर्ट हैज ओवरटर्न, फिर कभी दूसरा इलेक्शन आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का तो फिर से बोला जाएगा कि हाँ रिजर्वेशन है, फिर हटा दिया जाएगा, तो ये चलते रहेगा, इसमें फंस कर रह जाएंगे। द पटना हाई कोर्ट ओवरटर्न द बिहार गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज द रिजर्वेशन कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें 50% से 65% कर दी गई थी गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड 10% जो था वो EWS पहले से ही चलते आ रहा है जो हमारे अपर कास्ट के लिए था, ठीक है। तो
और देखा जाए तो द बिहार गवर्नमेंट हैज रिलीज द गैजेट नोटिफिकेशन। ये पहले ही दो रिजर्वेशन बिल्स आया था, उस दो रिजर्वेशन बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया है। तो बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 एंड बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, तो इन दोनों को ही नलीफाई कर दिया बाय द पटना हाईकोर्ट। And these bills will raise the current reservation percentage from 50 to 65%, और 10% जो है economically weaker section का included है, तो total percentage बन जा रहा था 75%। लेकिन the amendments are violative of the Supreme Court verdict passed in the case of Indra Soni versus Union of India। तो ये जो केस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सोनी केस, केशव नंद भारती केस, पुट्टस्वामी केस, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं पॉलिटी के सेक्शन में, ठीक है। तो वेयर बाई मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 50% वॉज लेड डाउन, जिसमें 50% से ज्यादा जो है कोटा या रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जहां पर ऑलरेडी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उन सब में हमारे कर्नाटका में भी लगभग 50% से भी ज्यादा रिजर्वेशन है, ठीक है। एंड द कोटा हाइक वॉज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी। तो इसी तहत जो है पटना हाईकोर्ट ने इसको नलिफाई किया है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बताया जा रहा था एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14, 15 और 16 की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा बेसिक बता ही देते हैं, स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा ही होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 पता ही है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, कानून के आगे सब बराबर है। लेकिन ये सिर्फ किताब में ही है, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड दिस राइट इज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिटीजन्स के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो सब कानून के सामने सब बराबर है। फिर आर्टिकल 15 जो है वह है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका मतलब यही है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन ये होता है, इस पे इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हर फील्ड में ही होता है, ठीक है। तो ये सब कागज के तौर पे है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो होता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट होगा ही सही तरीके से। फिर है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 16, इसके भी बहुत सारे सब क्लॉज हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस। है क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी? नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब आर्टिकल्स, लॉस, एक क्वेश्चन हमेशा ही बीपीएससी में पूछा जाता है, जो ये आर्टिकल से रिलेटेड डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाएगा, या फिर ये आर्टिकल्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको आर्टिकल नंबर बताना है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा ही आता है, तो आप रेडी रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रिज कोलैप्स इन बिहार। तो आपने न्यूज में सुना ही होगा जून के महीने में बहुत सारे जो ब्रिज है, वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है या जो पहले से ही 1-2 साल पहले बन चुके हैं, वो सारे ब्रिज जो है टूट रहे हैं, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है बाय द कंपनीज और जो भी इन्वॉल्व है इन कंस्ट्रक्शन कामों में, वो सही तरीके से ऑब्वियसली काम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं करप्शन जरूर है, इसीलिए ये न्यूज भी बना हुआ है। तो रिसेंटली एन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स्ड, और ये जो है 1 हफ्ते के अंदर में तीसरा ऐसा घटना हुआ है, ठीक है। और बिहार में लास्ट अगर 5-10 सालों में देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा जो ब्रिज है, छोटे बड़े, छोटे बड़े ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की जो है बहुत बहुत सही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है। तो ये जो ब्रिज कोलैप्स हुई थी, 60 मीटर लॉन्ग ब्रिज थी जो कि ओवर ए कनाल पे था, ठीक है। एंड घोरासन ब्लॉक जो था वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का था, एंड ये जो बिल्ड हो रहा था बाय द रूरल वर्क डेवलपमेंट, और इसकी कॉस्ट बताई जा रही थी 1.5 करोड़, ठीक है। तो 16 मीटर लॉन्ग ब्रिज के लिए सोचिए 1.5 करोड़, और वो भी सही तरीके से नहीं बना पाए, ठीक है। बहुत मेजर ये हुआ था, ऑब्वियसली किसी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं सीरियस इशू है, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं लिया, ना गवर्नमेंट ने लिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो प्रीवियस गवर्नमेंट को कोस रही है, जो प्रेजेंट वाले हैं वो प्रेजेंट
प्रीवियस को कर रहे हैं, ऐसे वाइस वर्सा चलते रह रहा है, ठीक है। तो दिस इंसिडेंट फॉलोज टू सिमिलर ऑकरेंस इन द स्टेट ऑफ सिवान एज वेल एज सॉरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान एंड अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हर जगह ही ऐसा केस बढ़ते आते जा रहा है। और जब मानसून का टाइम आता है, जब आंधी तूफान आती है, तो थोड़ी बहुत आंधी तूफान में ही गिर जाता है। तो सोच सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बिहार कैंसल्स कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड ड्यूरिंग महागठबंधन रेजिम। तो ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो जब नीतीश कुमार जी और आरजेडी का जेडीयू आरजेडी ये सब एक साथ थे बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, और इलेक्शन के बाद में क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए, जेडीयू जो है बीजेपी के साथ मिल गए। तो ऑब्वियसली बीजेपी जेडीयू के साथ मिल गए हैं, तो जो बीजेपी कहेगा उसको मानना ही पड़ेगा एक तरह से। तो जो पहले के महागठबंधन के समय जो जो कॉन्ट्रैक्ट मिल दिया गया था बाय द बिहार गवर्नमेंट, लगभग 350 कॉन्ट्रैक्ट जो 826 करोड़ का कीमत था, उस सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो महागठबंधन डिस्पेंशन फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन द रूरल एरियाज, तो इसके लिए मेनली कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो ये 350 कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल कर दिया गया, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैंसिल्ड, कारण दिया गया है कि इररेगुलरिटीज इन द कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्शन प्रोसेस। अब एक बात बताइए, दोनों ही गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी थे, प्रीवियस महागठबंधन में भी नीतीश कुमार जी थे, बीजेपी के साथ अभी भी कोलिशन में है, तो दोनों में ही तो चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। तो क्या हो रहा है, तो समझ जाइए खुद ही कि इरेगुलरिटीज इन द कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इंक्वायरी जो है वो भाई ये किसने किया था, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया था, और इंक्वायरी में पता चला कि इरेगुलरिटीज है कॉन्ट्रैक्टर, पता नहीं अब क्या है अंदरूनी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस बांका डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल किए गए, लगभग 106 डिस्ट्रिक्ट जो है किया गया है, और ये ज्यादातर सदर्न बिहार में ही ये हुआ है, क्योंकि सदर्न बिहार में ही पानी का ज्यादातर दिक्कत होता है, नॉर्दर्न बिहार में पानी बहुत अप्रोप्रिएट है, वहां पर आज भी जो लोग है चापाकल का जो पानी होता है वही ज्यादातर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो बांका डिस्ट्रिक्ट के बाद में आता है जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद एंड आरा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कैंसिल किया गया है। तो ऑफिशियल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल वर्क, तो जितने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उनका फिर से इंक्वायरी चल रहा है, उन पर रिव्यू हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सही है नहीं है। तो ये तो बेसिकली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें, जिसको जिस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा वो उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट देगा, ठीक है। एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग द ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये न्यूज भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो है बिहार टू ब्रिंग स्ट्रिंजेंट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक। तो प्रीवियस वीडियो में जहां पर नीट पेपर लीक से रिलेटेड न्यू बिहार बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। तो रिसेंटली बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी हैज असर्टेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वुड ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ टू कर्ब एग्जाम पेपर लीक्स, ठीक है। तो द न्यू लॉ विल बी पास्ड बाय द असेंबली इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन। तो आने वाले वीडियोस में मैं बिहार की जो लॉ है उसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो है इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि पता ही है नॉट ओनली इन बिहार, सारे ही स्टेट में लगभग पूरे नेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्जाम जो है वहाँ पर पेपर लीक्स की बात की जा रही है, गड़बड़ी की बात की जा रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस पर भी लीक की बात की जा रही है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली एक लॉ ऑलरेडी ला के रखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024। इसका मेन एम यही है कि टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जितने भी कॉमन एंट्रेंस पब्लिक एग्जामिनेशन, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, किसी का भी एग्जाम हो रहा हो पब्लिक का, तो उसमें अगर अनफेयर मीन्स आप करते हैं, पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा फाइन, बहुत सारा दंड आपको मिलेगा। तो की फीचर्स इसका जो है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 2024 का देख लेते हैं। तो इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू अनफेयर मीन्स, कौन कौन सा, तो पेपर लीक, यूज ऑफ फेक वेबसाइट या कोल्यूशन विद सर्विस प्रोवाइड, ठीक है, आप अगर मिले हुए भी हैं
कुछ भी आप किसी तरह से भी इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में, तो आपको उसमें आरोपी माना जाएगा। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंक्लूडिंग अ मिनिमम जेल टर्म ऑफ 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 1 करोड़। ठीक है, तो जिसके पास पैसा है उसके लिए 1 करोड़ तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पैसा देकर आराम से छूट सकता है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर तो होगा ही। एंड इट ऑल्सो होल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स एंगेज्ड फॉर एग्जाम कंडक्ट लाइबल विद अ फाइन ऑफ 1 करोड़ एंड अ 4 ईयर बैन ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक एग्जाम। अगर कोई भी इन्वॉल्व है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स में, मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, अगर वो इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर भी फाइन हो सकता है 1 करोड़, 4 ईयर बैन हो लग सकता है ऑन द इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक एग्जाम। ठीक है, फिर दोबारा से जब वो 4 साल बीतेगा, उसके बाद उसका स्क्रूटिनी होगा, उसका इंक्वायरी होगा कि वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल सही है या नहीं है, फिर वहाँ पर दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसीजर है ये। इट ऑल्सो एम्पावर्स पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो मिनिमम जो रैंक होगा डीएसपी या एसीपी का रैंक होना चाहिए, तभी आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे लेवल पर जितने भी अधिकारी होंगे उनको आसानी से लगभग ब्राइब देकर खरीदा जा सकता है। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ सकता है, तो जो ऑब्वियसली ये रैंक वाले अगर ऑफिसर होंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो जांच हो वो निष्पक्ष हो। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो कवर अ वाइड रेंज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। दोज कंडक्टेड अंडर यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज, आईबीपीएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा, यूजीसी, नेट वगैरह, जितने भी एग्जाम्स होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब जो है वो आ जाएगा। अब रह गया स्टेट के जो एग्जाम है, वो अलग अलग स्टेट्स अपने आप खुद करेगा, और बहुत सारे स्टेट जो है पेपर लीक से रिलेटेड बहुत सारे लॉज ऑलरेडी बना भी चुके हैं और भी आने वाले भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही न्यूज़ कवर करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा हम लोग उसमें जुलाई का हम लोग न्यूज़ इवेंट्स कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और सारे वीडियोज़ देखिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू सेट वगैरह लगाइए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, आपके प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेंस के लिए भी ये सारे ही वीडियो जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।